वहाँ है ये चर्च। तो यहाँ जब सुबह लोग इबादत करके बाहर निकले हैं तो उन्होंने बताया कि पादरी साहब यहाँ पर ना ये अल्फाज लिखे हुए हैं। मैंने एहतियातन 15 को 15 पे कॉल कर दी है। तो ये है कि उन्होंने कहा कि जी हम आ रहे हैं। फेसबुक पे वीडियो लगाने का मकसद ये है कि आप तमाम को भी पता हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे उन्हें मैंने मौका नहीं आन दिता, उन्हें मैंने कलमा ही नहीं पढ़न दिता अपने मसीह का। मैं आख्या लगता है कि यार रसूल अल्लाह मेरे फायर मारता, सीधा ही फायर मारता ही मेरे पीछे से। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने मुझे वादा किया था तू तंजीम की खातिर कुर्बानी दे, तू कह के तूने फायर खुद मारा है तो हम तुझे बचा लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब कोई बात नहीं, अगर मुझे बाइबल पकड़ी हुई है तो तुसी सच दस रहे हो ना? हाँ जी, ये बाइबल हवालात में दो दफा मुझे शुगर लो का अटैक हुआ, 11 दिन किया बगैर कहते इन्वेस्टिगेशन करनी। तो इन्वेस्टिगेशन हवाला च बंद करके दे नहीं करते, ये केड़ी गल है? ये भाई बहुत अच्छे हैं दोनों, ये थे अच्छे, उन्होंने गल आई अड्डिया सोनिया कितिया, लेकिन एक भाई मुझे तो पानी नहीं आ, रोटी नहीं, मैं जब उनको खाऊंगी पानी में चूड़िया तो पता नहीं कहा, लेकिन जब अदालत के सामने मुझे पेश किया गया जज साहब ने उन्होंने कहा कि उस पर किसी ने लमदू नहीं किया, मैंने जज साहब को कहा नहीं, सबने प्यार किया मुझसे, यीशु मसीह ने माफ किया था, मैं इस बात यीशु मसीह अदा भी नहीं माफ करता। अच्छा, इस बात को ढोंस बनाया गया ना कि ये असाइलम की वीडियोस देखता था। जब मैं 30 तारीख को पादी अल्ताफ के साथ गया वहाँ जड़ा वाला में, तो रस्ते में वो मुझे कह रहे थे तूने यहाँ पे खिदमत करनी है, अगर तू मर भी जाए तो तूने कौन सा असाइलम लेना।